जी वकार साहब, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर छाई बन रही है पार्टिसिपेंट्स के लिए। चाय खाने में खुश आमदेद। आज हम आए हैं सरदार इसहाक स्कूल, जहाँ पे स्केच क्लब की तरफ से वर्कशॉप हो रहा है ब्रेक टू मेक। अपने बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट कंपोजिशंस के साथ इन्वॉल्व करते हुए, ताकि वो लाइन, शेप, फॉर्म, टोन, कलर से थोड़ी बहुत आशनाई पैदा कर सकें। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पीछे जो हमारे बहुत ही होनहार और हार्ड वर्किंग जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। जी इरफान, आज क्या है लंच में? आज वेजिटेबल रोल। हमें बुलाया गया था कि चिकन रोल मिलेगा। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे आपने हमारे साथ वो किया रिसेप्शन, मतलब आपको खेल दिया इन लोगों ने। अच्छा, अभी फाजिल मुसवी साहब दूसरे कमरे में सेशन करवा रहे हैं और स्टूडेंट्स बैठे हैं जोक दर जोक और वो उनकी बातें सुन रहे हैं। उस कमरे में मैं बात नहीं कर सकता, इसलिए कि वहाँ जो है वो डिस्टरबेंस होगी। तो फिलहाल आपको दिखाते हैं कि वो और स्टूडेंट्स को क्या करवा रहे हैं। मतलब हमारी सोसाइटी के हर मेम्बर के सामने एक मसला होता था, वो ये कि पेंटिंग को हम देखते हैं तो हमें समझ नहीं आती है। एक इस मसले को किसी हद तक रिजॉल्व करने की मैंने कोशिश की अपने स्पीच में। इसे कहते हैं बेखुदी, आजिज़पन, खाकसारी। लोगों को रोल हमने खिलाया है और अब जो है हम खुद अंडा कुटाला, क्या कराची वालों की जबान में अंडा कुटाला कहा है। अंडा कुटाला। इस साल हमारे स्केच क्लब के बच्चों में से 16 स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ कॉलेजेस में दाखिले हुए हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद यानी 12 से ज़्यादा लड़कियों की है, बाकी लड़कों की है। यहाँ पे तकरीबन 50 पार्टिसिपेंट्स हैं और खुशाइन बात यह है कि तकरीबन 45 लड़कियाँ हैं, मगर ये शायद परेशानी की भी बात है कि मतलब सिर्फ 5 लड़के। यार लड़कों, तुम लोग कहाँ हो? कभी 1-5 लेकर इधर खिट मार रहे हो, कभी उधर खिट मार रहे हो। सुबह हो जाओ यार, इधर कंस्ट्रक्टिव काम चल रहा है इधर। आज इतने लोग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इवन दूसरे दिन लोग आएंगे, मगर लग रहा है कि हाँ ना, मगर कोई नहीं आ रहा। फिर अभी बाद में क्या होगा जब वर्कशॉप ख़त्म होगा, कि हमने हमको तो पता ही नहीं चला। तुझे से क्या मांगूं खुद ही समझ लो। ओ मौला 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 मेरे मौला। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह रब तक वो ठिकाना याद है। मेरे सनम के दर से अगर बाद सबा हो तेरा गुजर, कहना सितम गर कुछ है खबर, तेरा नाम लिया जब तक है जिया, शमा तेरा परवाना जिसमें अब तक तुझे नफरत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। जो 3 दिनों में जितने पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने जितना काम किया, उनका काम आज डिस्प्ले हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा जो स्केच क्लब के जो खुद मेंबर्स हैं,
ان کا بھی جو آرٹ پیس ہے پہلے سے جو بنا ہوا تھا وہ بھی ڈسپلے ہوا ہے, اور آج ایگزیبیشن ہے تو مہمان آ رہے ہیں, ابھی ابھی شروع ہوا ہے ایگزیبیشن. سے متعلق جو بھی انفارمیشن ہے وہ نیچے ڈسکرپشن, ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. ڈان والوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ایم ہزارہ کے نام سے, انہوں نے اسکیچ کلب کو بھی کور کیا تھا, اس کے علاوہ بھی ایکسپریس ٹریبیون والوں نے, تو وہ سارا جو ہے ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے, شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہم آپ کو اور زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں دکھا سکیں.